दोस्तों सलाम नमस्कार सत श्री अकाल, एक फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। देखिए भाई, किसी भी इवेंट की जान होते हैं मैस्कॉट, इसके बिना इवेंट की पहचान ही नहीं होती। आपको याद होगा साल 2010 में जब हमारे देश में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, तब शेरा को मैस्कॉट बनाया गया था। आज हम आपको दिखाते हैं दुनिया भर में मैस्कॉट के साथ कैसे मस्ती की जाती है, लेकिन कई बार ये मैस्कॉट अपनी लिमिटेशन भूल जाते हैं तो कई बार लोग इनको उकसा देते हैं, ये भी खूब चलता है। तो आइए दोस्तों, आज हम आपको दिखाते हैं कैसे कई मौकों पर मैस्कॉट ने कुछ ऐसे कांड कर दिए जिनको कोई भूल नहीं सकता। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज यार आप लोग शेयर कीजिएगा, ठीक है, लाइक कीजिएगा, आपके एक छोटे से काम से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, तो ये करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो भाई फटाफट से लाल वाले बटन को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपसे हमारी आने वाली वीडियोस बिल्कुल भी मिस ना हो। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों एक ऐसी तस्वीर जिसको देखने के बाद आपको बहुत हंसी आने वाली है। आप देखिए कैसे यहाँ पर मैस्कॉट मस्ती करने के मूड में है। ये देखिए कैसे यहाँ पर ये इस बेंच पर बैठने की कोशिश कर रहा है। ओह ये देखिए कैसे यहाँ पर ये जैसी बेंच पर बैठने की कोशिश करता है वैसे ये नीचे गिर जाता है और ये चारों खाने चित हो जाता है। क्या बात है, इसे कहते हैं भैया ट्रेजेडी। दोस्तों आप खुद ही सोचिए इतने बड़े शरीर के साथ कैसे कोई बैलेंस कर पाता है, लेकिन नहीं, इन्हें कहा किसी की बात सुननी थी, ये तो नीचे गिर गए। दोस्तों अब इस जगुआर मैस्कॉट को आप देख लीजिए, भैया हद से ज्यादा नॉटी है। आप ये देखिए जब ये केक के साथ फोटो क्लिक करना चाह रहे थे तभी बार बार एक लड़की इनके फ्रेम में आ जाती है। ये देखे ये लड़की बार बार इनके संग फोटो क्लिक करवा रही थी। ऐसे में इस मैस्कॉट को आ गया दोस्तों गुस्सा और उसके बाद जो हुआ वह आप भी देखिए चौंक जाएंगे देख के। जी हाँ, ये देखिए कैसे यहाँ पर इस मैस्कॉट ने लड़की के मुंह पे केक दे मारा। कोई पूरा का पूरा स्टेडियम हंसने लगा इसको देख के और सबके सब मस्ती करने लगे। क्या बात है, फटाफट से वीडियो लाइक कर दो मेरी जान अगर नहीं की है। वेल दोस्तों जब बात हो रही है केक की तो आप इसको भी देख लीजिए, यहाँ पर तो भैया आती ही हो गई। मैस्कॉट का काम होता है अपनी टीम के लिए सपोर्ट इकट्ठा करना, लेकिन दोस्तों कई बार यही मैस्कॉट अलग ही दुनिया में चले जाते हैं, ये भी फैंस की तरह बिहेव करने लगते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। आप देखे कैसे यहाँ पर इन्होंने ऑपोजिशन फैन के मुंह पर केक दे मारा, क्या सही तरीका है? नहीं यार ये नहीं है, देखिए इस तरह से बिहेव करना सही नहीं है, लेकिन मस्ती के नाम पे सब चल ही जाता है। वेल दोस्तों अब आप ये देख लीजिए क्या बात है, यहाँ पर मैस्कॉट गाड़ी चला रहा है। यहाँ पर ये शो करना चाहते हैं कि ये मैस्कॉट के साथ फॉर्मूला 1 में भी ड्राइविंग बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आगे इनके संग जो होता है उसको देख के पूरा का पूरा स्टेडियम हंसने लगता है। जी हाँ ये देखिए कैसे यहाँ पर ये मैस्कॉट चारों खाने चित हो गया। कहाँ ये अपना टैलेंट दिखाना चाहते थे और कहाँ भैया ये अपनी बेइज्जती करा बैठे, अब क्या ही कहा जाए इनके बारे में। 220 हरकत के लिए इस मैस्कॉट को भाई क्या ही कहा जाए। जी हाँ आप देखिए कैसे यहाँ पर 506 मैस्कॉट के ऊपर से जंप मारने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बात है, लेकिन अंत में जो होता है भाई उसको देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। आप देखिए कैसे यहाँ पर जब ये मैस्कॉट जंप मारते हैं तो सीधे जाकर ये दूसरे मैस्कॉट के पेट पर गिर जाते हैं। दैट वॉज रियली शॉकिंग, ये वाकई में बहुत ही अलग चीज थी। बताइए कितने अलग अलग मैस्कॉट को इंजरी हुई होगी यार। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ एक और ऐसी फोटो जिसको देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे, क्या आप यकीन कर सकते हैं। इस मैस्कॉट को लगता है भाई देख के कि इसको बहुत तेज भूख लगी है, तभी इसने इस खूबसूरत लड़की को खाने का फैसला किया। क्या बात है, आप देखिए कैसे यहाँ पर इस मैस्कॉट ने लड़की को खा लिया। कहा जाता है कि इस तरह से मैस्कॉट भी मजाक करते रहते हैं ताकि लोगों को हंसाया जा सके, यही इनका काम है, एंटरटेनमेंट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जो कि इस समय भैया ये कर रहे हैं। आप बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में एंड तक हमारे संग, क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है आपके लिए। दोस्तों अब आप ये देख लीजिए क्या बात है, यहाँ पर मैस्कॉट ने सारी हद पार कर दी, इन्होंने अपने दम पर सिक्योरिटी गार्ड को नचा दिया है। जी हाँ आप ये देखिए कैसे मस्त तरीके से सिक्योरिटी गार्ड और मैस्कॉट आपस में नाच रहे हैं। वाह, कहा जाता है कि इस तरह से कई बार चीजें देखने को मिल जाती है, यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही देखने को मिल रहा है, वाकई में यार मजा आ गया। वैसे इसमें कोई शक नहीं है कि सिक्योरिटी गार्ड्स भी बहुत बढ़िया डांस करते हैं। दोस्तों आगे बहुत सारी खास चीजें आने वाली हैं। अब आप यहाँ पे देखिए इस मैस्कॉट ने सिक्योरिटी गार्ड के साथ क्या किया। पहले तो भाई मैस्कॉट इस सिक्योरिटी गार्ड के सामने खूब जी भर के नाचा, ऐसा लगा कि सिक्योरिटी गार्ड को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ा। आप देखिए कैसे इन्होंने दोबारा सिक्योरिटी गार्ड को मनाया इसके साथ डांस करने के लिए, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पॉडी हो रही है, मजा आ गया इनको देखकर। दोस्तों लगता है कि मैच के दौरान सिक्योरिटी गार्ड्स को नचाने की पूरी जिम्मेदारी नहीं की है, ऐसा लगता है भाई मैस्कॉट जो है सिक्योरिटी गार्ड को नचाए बिना रह नहीं सकते। आप देखिए कैसे यहाँ पर ये मैस्कॉट इस समय जानबूझकर सिक्योरिटी गार्ड को कह रहा है अरे भाई नाच के दिखाओ भाई, लेकिन दोस्तों आगे जो होगा ना उसको देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे, क्या आप यकीन कर सकते हैं। इस सिक्योरिटी गार्ड ने जो डांस किया वो सबको याद रहने वाला है। जी हाँ मजा आ गया भाई इस तरह की चीजों को देखकर, वाकई में ये कमाल की चीज है, क्या डांस किया भाई सिक्योरिटी गार्ड ने, इन्होंने तो यकीनन मैस्कॉट से बदला ले लिया, नाच मेरी जान नाच नाच। दोस्तों मैं आपको बता दूं अमेरिका में कई बार मैस्कॉट को रग्बी गेम में भी उतारा जाता है खेलने के लिए, जी हाँ, ताकि इनके स्किल्स को भी चेक कर लिया जाए। आप यहाँ पर देखिए कैसे मैस्कॉट जो मैच खेल रहे हैं वो बच्चों के खिलाफ खेल रहे हैं,
लेकिन इनके साथ भाई जो काम बच्चों ने करके दिखाया वो हमेशा याद रखा जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों ने इन मोटे मोटे मैस्कॉट्स को बुरी तरह से हरा दिया। आप देखिए कैसे यहाँ पर इस मैस्कॉट को भैया बच्चों ने पानी पिला दिया। वैसे बात भी सही है क्योंकि मैस्कॉट खेलने ही आ जाते हैं, ये तो बस खेल करने के लिए मैदान पर आते हैं। अच्छा सुनिए, वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये बताइए, किस गांव से, किस जिले से, किस शहर से, किस देश से, हाँ ठोको फटाफट से कमेंट। दोस्तों कई बार ये मैस्कॉट बहुत ही ज्यादा बदतमीजी पर उतर आते हैं। जी हाँ, अगली क्लिप आप देख लीजिए। क्या आपने कभी सोचा था कोई मैस्कॉट इस तरह से भाई मैच के कमेंटेटर्स के संग बिहेव कर सकता है? लेकिन इनको भाई सबसे बदमाश मैस्कॉट कहा जाता है, इन्होंने सारी हदें पार कर दी, इसमें कोई शक नहीं है। भला कोई लाइव स्ट्रीमिंग के समय इस तरह से बिहेव कर सकता है? लेकिन इन्होंने वो सब कुछ कर दिया जो कि नहीं होना चाहिए था। इसे कहते हैं भाई डिसरिस्पेक्ट। अब आप ये देखिए भाइयों कैसे यहाँ पर इस मैस्कॉट ने गलत तरीके से बिहेव किया। जी हाँ, ऑपोजिशन टीम का फैन इनके संग फोटो क्लिक करवाना चाहता था, लेकिन इनका बिहेव बहुत ही गलत था। इन्होंने इस इंसान की कैप खींच ली, इसके बाद आप देखिए कैसे इन्होंने इस कैप को कहीं दूर फेंक दिया। ये बहुत ही गलत बात है, इस तरह से दोस्तों किसी को बिहेव नहीं करना चाहिए। आप खुद ही बताइए क्या ये तरीका सही है, आप खुद सोचिए ये क्या किसी के प्रति रवैया सही है। लेकिन भाई विदेशी जमीन पर तो लगता है मैस्कॉट जो चाहे फन के नाम पे वो कर सकता है, कई बार ये लड़कियों को भी नहीं छोड़ते हैं। इस बात पे आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। वेल दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी किस तरह से मिसबिहेव करते हैं उसी के बारे में फिर से बात करते हैं। क्या आपने कभी सोचा था मैस्कॉट इस तरह से पब्लिक प्लेस में बिहेव कर सकते हैं, वो भी जवान जवान लड़कियों के संग? आप ये देखें कैसे यहाँ पर ये कांड हो रहा है, खुलेआम चल रहा है, लेकिन मैस्कॉट है तो भाई सब चलता है। लगता है इन्हें कुछ ज्यादा ही छूट दे दी गई है इसलिए ये इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं ये मैस्कॉट लोगों को हंसाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जी हाँ, ये जो इतने मोटे मोटे लगते हैं दिखने में, दरअसल ये इतने मोटे होते नहीं है। अगर आप यहाँ देखिए एक ऐसे खुद ही बॉल बनकर मस्ती कर रहे हैं, क्या बात है, मजा आ गया देख के। लेकिन दोस्तों क्या होता है जब ये एक के बाद एक ऊपर गिरते चले जाते हैं? आप यहाँ देखिए कैसे ये फिसलते हुए जा रहे हैं स्टेडियम में, कैसे मस्ती कर रहे हैं समय, मजा आ गया भाई इनको देखकर। वैसे एक बात है, इनका काम बिल्कुल भी आसान नहीं है, ये वाकई में बहुत ही टफ जॉब है। दोस्तों इनकी सफलता के पीछे देखिए बहुत मेहनत लगती है, ऐसा नहीं है कि हर मैस्कॉट सफल ही हो जाता है। क्या आपको याद है 2012 में लंदन ओलंपिक में किस तरह से मैस्कॉट का इस्तेमाल किया गया था? याद कैसे भी नहीं होगा भाई, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी के साथ इस मैस्कॉट को बनाया गया था, लेकिन सफलता नहीं मिली, सारे के सारे बोर हो गए। अब आप ये देखिए इस मैस्कॉट के साथ क्या होता है, आप देख सकते हैं कैसे मैस्कॉट कुछ ज्यादा ही नाटक करने लगा। आप देखिए कैसे यहाँ पर ये मस्ती करते करते पिचकारी किसी की बियर में मार देते हैं। जी हाँ, लेकिन ये ट्रिक इस बार भैया अच्छी नहीं रही, जो फैन था बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने भी बियर इस मैस्कॉट के सिर पर गिरा दी। इतना तो चलता है भाई, ये तो होना ही था। अब जब मजाक करते तो यार मजाक सहने की आदत भी होनी चाहिए। वेल दोस्तों आप इसको देख लीजिए, इस मैस्कॉट ने तो भाई कमाल ही कर दिया। अब ये देखिए कैसे इन्होंने इस कैमरामैन को परेशान कर दिया है। जी हाँ, ये देखिए कैसे कैमरा पर्सन के पीछे उंगली कर रहे हैं। इस तरह से कई बार बिहेव करते हैं, लेकिन ये ठीक है, एटलीस्ट ये डिसेंट है। कई बार हमने देखा है कि मैस्कॉट किस तरह से बिहेव करते हैं, अब क्या कहा जाए भाई, किस तरह से पीछे से उंगली कर रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप इनके लिए तो कमेंट कर सकते हैं। वेल आप यहाँ पर देखिए कैसे पोलर बियर वाले मैस्कॉट के संग घटना हो जाती है। ये बात तो आप जानते हैं कि पोलर बियर हमेशा आइस पर ही चलते हैं, लेकिन जब ये मैस्कॉट पोलर बियर बन जाते हैं तब आप देखिए कैसे यहाँ पर ये नीचे गिर जाते हैं, सब हंसने लगते हैं। सबका ये कहना था किस तरह के मैस्कॉट है यार जो आइस पर गिर जाते हैं। वेल दोस्तों ये वाकई में शॉकिंग था, आप खुद ही बताइए ना कोई इस तरह से मैस्कॉट बन सकता है क्या? अब ये ह्यूमन एरर भाई। दोस्तों इस मैच के बीच की सिचुएशन जरा आप देखिए, यहाँ पे कमाल हो गया। आप देखिए कैसे यहाँ पर मैस्कॉट एक दूसरे को डंडे मार के काम कर रहे हैं। आप देखिए कैसे यहाँ पर एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं। कहा जाता है कि जब भी 5 या 6 मैस्कॉट एक साथ एक जगह पर जमा हो जाते हैं तो वहां सिर्फ और सिर्फ धमाल होता है। आप देखिए कैसे एक दूसरे के ऊपर हमला किया जा रहा है, वाकई में मजा आ गया भाई इनको देख के। वेल दोस्तों अंत में मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मैस्कॉट ने इस फैन के कपड़े फाड़ दिए। जी हाँ, कहा जाता है इतना ठीक बात नहीं है, लेकिन ये मानने वाले कहाँ, आप ये देखिए कपड़े फाड़ रहे हैं। वाकई में यार ये तो मतलब हद से ज्यादा बात हो गई, क्योंकि नहीं होनी चाहिए थी, कपड़े फाड़ दिए, बाद में केक भी फेंक दिया। वेल दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ऐसी और रोमांचक वीडियोस को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलता हूं अगली वीडियो में, चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, मेरी चैनल।